नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। 30,000 कोट में पार्किंग को लेकर भड़के विवाद ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। दरअसल अदालत में अफवाह फैल गई कि पुलिस की गोली से एक वकील की मौत हो गई है। इसके बाद गुस्साए सैकड़ों वकील इकट्ठे हो गए। उन्होंने लॉकअप का मेन गेट तोड़ने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए तो बाहर खड़े पुलिस के वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। आगजनी के धुएं से लॉकअप में मौजूद कैदियों और पुलिस कर्मियों का दम घुटने लगा। बवाल की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फोर्स ने हंगामा कर रहे वकीलों को खदेड़ा। इसके बाद लॉकअप में मौजूद कैदियों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। शाम के समय हंगामा शांत होने के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उन्हें कोर्ट से जेल भेजा गया। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक चले हंगामे के दौरान कोर्ट में कामकाज ठप हो गया। कोर्ट में मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि लॉकअप के बाहर हुए मामूली झगड़े के बाद पुलिसकर्मियों ने वकीलों को समझाने का प्रयास किया तो वो गाली गलौज पर उतर आए। हंगामे के बीच उन्होंने पुलिसकर्मियों से हाथापाई शुरू कर दी। बाद में उन्होंने लॉकअप तोड़ने की कोशिश की। कैदियों की सुरक्षा और आत्मरक्षा में पुलिस ने हवा में गोली चलाई। इनमें से एक गोली वकील विजय वर्मा को जा लगी। बवाल के दौरान उत्तरी जिला अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त हरेंद्र कुमार, SHO कोतवाली, सिविल लाइंस उपायुक्त के ऑपरेटर समेत कुल 10 पुलिस कर्मियों को चोटें लगी। बता दे पारंपरिक जांच से खुलासा हुआ है कि वकील और पुलिस में बहस करीब 2 बजे शुरू हुई, जब पुलिस लॉकअप के बाहर तैनात कांस्टेबल प्रदीप कुमार ने अपने वाहन को निकालने के लिए वकील को उसकी जीप हटाने के लिए कहा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि CCTV फुटेज देखने और पुलिस वालों के बयान दर्ज के बाद दिख रहा है कि 3 लोग जीप से बाहर आए। इसके बाद हुई बातचीत बहस में बदल गई। इसके बाद कांस्टेबल के साथ अन्य पुलिस वाले आ गए। वहीं बहस बढ़ती देख अन्य वकील भी दूसरी तरफ से आ गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को बवाल के दौरान लॉकअप में 100 से अधिक कैदी थे। उनकी सुरक्षा करने में पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस बल के आने तक लॉकअप को घेरे रखा। 5 बजे फोर्स अंदर दाखिल हुई और वकीलों को खदेड़ा गया। इस बीच पूरी कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल रहा। कुछ वकील अपने चैम्बर बंद करके चले गए, जबकि बड़ी संख्या में कोर्ट में मौजूद रहे। दूसरी ओर कोर्ट परिसर में मौजूद जिन आम लोगों और मीडिया कर्मियों ने बवाल का वीडियो बनाने का प्रयास किया, उनके मोबाइल छीनकर तोड़ दिए गए। कुछ की पिटाई भी कर दी गई। शाम 6 बजे बाद ही वकीलों को शांत किया जा सका। हालांकि देर रात तक कोर्ट में तनाव का माहौल बना रहा। हंगामा यही खत्म नहीं हुआ। कड़कड़ुमा कोर्ट में भी वकीलों पर हमले के खिलाफ कई और वकीलों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की। बता दें, अदालत में हुए संग्राम की जांच अब SIT को सौंप दी गई है। अब इस मामले में SIT पूरी कड़ियां खंगालेगी। इस बीच 30,000 कोट में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग के विरोध में 4 नवंबर को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में कामकाज ठप रखने का फैसला किया गया है। बता दें, कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुई हिंसक झड़प में एडिशनल DCP चोटिल हो गए हैं। हिंसक झड़प की CM अरविंद केजरीवाल ने निंदा की है। केजरीवाल के मुताबिक किसी भी हालात में हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। 30,000 में खूनी झड़प में 20 पुलिस वाले घायल हुए, जिसमें एडिशनल DCP, 2 SHO घायल हुए, 8 वकीलों को चोट लगी। वहीं 12 मोटरसाइकिल, दिल्ली पुलिस की एक QRT GCP, लॉकअप के बाहर खड़े 8 जेल वैन को नुकसान पहुंचाया गया। इनमें से कई को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस और वकीलों दोनों तरफ से शिकायत दी गई है, जिसमें केस दर्ज हो गए हैं। मामले की जांच क्राइम ब्रांच की SIT टीम करेगी। पूरे मामले की स्पेशल CP रैंक के अफसर जांच करेंगे। कहा तक ये सही है, देश की रक्षा करने वाले 2 लोग, पुलिसकर्मी और वकील ही देश में हिंसा कर रहे हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।